स्टूडेंट्स, हम आज जो हम करने जा रहे हैं दैट विल बी आर एक्सरसाइज नंबर 4.1। अच्छा, रिव्यू चैप्टर नंबर 2। मुझे लगता है मैंने आपको एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स भेज दिए थे, नहीं भी भेजे तो आज मैं दोबारा भेज देता हूँ। सॉल्व पहले से हुए थे, अब उसमें रह गए क्वेश्चन आ जाता है आपका शॉर्ट आंसर का 14%। अटेम्प्ट करें, मैं ये करूँगा कि आपको इन्हीं एक दो दिन के अंदर मैं वो सॉल्व 14 के 14 पार्ट्स भिजवा दूँ। ठीक है, आप भी ट्राई करें, क्योंकि आप अब रिव्यू कर रहे हैं तो पूरे चैप्टर का रिव्यू होता है एक किस्म का, तो आपको खुद भी अटेम्प्ट करना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। आप भी करें, मैं भी सेंड कर रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ कि एक्सरसाइज नंबर 4.1 मेरा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है बिफोर ही हम चैप्टर नंबर 4 टू दी एंड, पहले वी शुड स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। बहुत इजी चैप्टर है, चार एक्सरसाइजेस में मुश्किल है, ठीक है जी, और बहुत आसान। बात यह कि देखिए, आज से पहले अगर अभी लिखा होता था 1 over x + 1 over x + 1, तो आप क्या करते थे, x into x + 1 कर लेते थे, अच्छे तरीके से डिवाइड करते थे, यहाँ x + 1 आ जाता था और यहाँ प्लस आपके तरीके से डिवाइड करते थे, x आ जाता था, आंसर आ जाता था जी 2x + 1 over x into x + 1। ठीक है जी, इसे कहते हैं जी आपने एलसीएम लिया और आपने सिंप्लीफाई करके सिंगल एक फ्रैक्शन में ले लिया। इसका जो रिवर्स प्रोसेस है कि सिंगल फ्रैक्शन को तोड़कर मल्टीपल फ्रैक्शंस के अंदर लिख देना बाय लॉजिक, ठीक है जी, इस प्रोसेस को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस, रिवर्स ऑफ इट, ठीक है जी। टू ब्रेक एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन any algebraic fraction into its fragments, into its parts is known as partial fractions, ठीक है जी। और ये पॉसिबल है, ये वापस ये चीज़ बन सकता है, लेकिन उसके लिए एक रूल है जो आपको समझना हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्या कहते हैं 4.1 में जाने से पहले कुछ रूल्स आप जो वजह कर दें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 से एक एग्जाम्पल दूँ, ये बड़ी सॉलिड एग्जांपल है 7b और 8b, ठीक है जी। 7 में लिखा है जी x² + 2x + 1 over x - 2x + 1, ठीक है, ये एक क्वेश्चन लिखा। अब सबसे पहली बात आपने क्या करना है, आपने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर्स को देखना, बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ऑन ए रफ डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करूं, पहला रूल आपको बता रहा हूँ, पहला स्टेप बता रहा हूँ इसको तोड़ने के लिए, सर्टेन देखे ना कुछ पोर्शन में ये टूट जाएगा, टूट के ये दोबारा ये बना होगा। अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनता है x² - x - 6, ठीक है। तो क्या होगा x² + 3x - 2x - 6, यहाँ पे प्लस है x² + x - 6, मल्टीप्लाई करने से ये होगा। पहला स्टेप अब आपको बताने लगे पार्शियल फ्रैक्शंस, अदर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर्स बराबर हो जाती है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वेरिएबल पावर्स आर इक्वल और न्यूमरेटर पावर इज ग्रेटर, एक्सपोनेंट इसे कहते हैं। इन्वॉल्व वेरिएबल जो होगा उसमें अगर न्यूमरेटर का कि जो हाईएस्ट पावर है वो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर के बराबर हो जाती है या न्यूमरेटर की पावर बड़ी होती है, तो सबसे पहला रूल है पार्शियल फ्रैक्शंस का, यू शुड डिवाइड। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के किसी भी मेथोडोलॉजी में जाने से पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर को सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम एग्जाम्पल लेते हैं,
और इसी हम सबसे पहले सॉल्व करके समझने की कोशिश। हाँ, अगर ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर की पावर बड़ी आ जाती है न्यूमरेटर की पावर से, तो तब डिवीजन नहीं होगी, तब हम डिवीजन से नेक्स्ट स्टेप के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी अभी आपको पता लग जाएगा। एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 7 ही को हम अटेम्प्ट करते हैं, तो क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा, एक समझ भी आ। देखिए ये लिखा हुआ था, मैं लिखूंगा एस बाय सिंप्लीफिकेशन, हमें क्या पता लगा कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बन जाता है। सी हमें पता लगा कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इनटू x माइनस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाता है। सो सबसे पहली बात ये है, डिवीजन इज पॉसिबल, डिवीजन पॉसिबल है। तो सबसे पहले डिवीजन कैसे होगी, डिवीजन सेट पे करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन को आप बाहर आने अंदर क्या लिख लीजिए, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स को बाहर, ये डिवाइजर बन जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिवाइडेड बन जाएगा। अब हम डिवाइड करते हैं, वन टाइम्स ही जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, माइनस प्लस प्लस माइनस, आपको पता ही है सब्ट्रैक्शन होती है डिवीजन के रिटर्न में, ये दोनों वैल्यूज कट गई, टू एक्स माइनस एक्स, एक्स प्लस वन प्लस सिक्स प्लस सेवन, प्लस वन प्लस सिक्स क्या बन जाएगा प्लस सेवन। अब लिखा कैसे जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा, लिखा जाएगा वन प्लस एक्स प्लस सेवन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। फर्दर वन प्लस दोबारा से फैक्टर्स की फॉर्म में लेंगे, लेकिन किसके बराबर था, एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक, जैसे आम नंबर्स में देखें, अगर यहाँ पर अंदर सेवन लिखा हो बाय फाइव लिखा हो, वन टाइम जब जाता है तो आप लिखते वन होल टू बाय फाइव, तो एक्चुअली ये यही हो रहा होता है, एक्चुअली ये यही हो रहा होता है। दोबारा से आप एलसीएम ले तो दोबारा देखिए क्या बनेगा, फाइव प्लस टू आंसर आ जाएगा सेवन बाय फाइव, ये भी सेवन बाय फाइव है। अभी बात समझ, सो आप इस तरीके से देखें, तो सबसे पहला काम, अगर न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है, या न्यूमरेटर की जो हाईएस्ट पावर है वो बड़ी है डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से, तो उस केस में सबसे पहला काम जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगी डिवीजन। डिवीजन होने के बाद आप इस प्रोसेस तक पहले लिख लेंगे और उसके बाद आप आगे चलेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे जरा देखिए, ये वो हिस्सा है डाउटफुल जो कि कुछ फ्रैक्शन से मिलकर बनाए, कुछ फ्रैक्शन का ये एलसीएम। सो हाउ वी सॉल्व इट, लुक एट दिस, इसे कंसीडर कर लें x प्लस सेवन ओवर x माइनस टू एक्स प्लस थ्री, बड़ा इजी है कंसीडर कर, कैसे, कितनी फ्रैक्शन कितनी नीचे आ रही है जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो, दोनों लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर कैसे पता लगा, x की पावर से, x की पावर अगर वन होगी तो ऐसे फैक्टर को आप क्या कहेंगे, लीनियर फैक्टर। ये कौन सा फैक्टर है, लीनियर वेरिएबल इन वॉल्व की पावर अगर वन होगी, लीनियर फैक्टर को इज्यूम करने का, लेट करने का तरीका का पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है कि आप दोनों लीनियर फैक्टर्स को अलग-अलग से लेट कर लें ऐसे कर, और उनके ऊपर दो कोफिशिएंट्स लगा दें ए और बी, जिनका अभी हमें पता नहीं है, जिनकी वैल्यू से अभी हम वाकिफ नहीं। सबसे पहला काम आप ये कंसिडर करें। अब अगला काम, नेक्स्ट नेक्स्ट ये काम करेंगे, देखिए तीन स्टेप याद रखें, पहला डिवीजन अगर हो सकती है तो सबसे पहले डिवीजन करें, डिवीजन हो जाए आप इस सिचुएशन में आ जाए तो जो पार्ट रह जाएगा जिसके नीचे फ्रैक्शंस होंगी, ठीक है, वो फैक्टर्स होंगे, तो उनमें देखिए अगर फैक्टर लीनियर है तो सबसे पहले ये चीज कंसिडर करें, कंसिडर कर लिया। अब अगला पार्ट जरा समझ लिया, दोनों साइड्स को इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, दोनों साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री। अब मल्टीप्लाई किया जाए करते हैं, एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, मैं इस स्टेप को वाजिब तरीके से सेट करूँ,
और इसको ना यहाँ पर आपने एज ए इक्वेशन नंबर वन लेट भी करना, इसको आपने क्या कर लेना है यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन लेट कर। तो मैं अपने माइंड में सेव कर लेता हूँ, मैंने सेव कर लिया, अब इसको बाद में यूज करना ठीक है, क्योंकि बाद में यानी ये फाइनल आंसर इसके अंदर चेंजिंग होगा। देखिए जी क्या होगा, क्योंकि उधर जगह कम थी, सो आई कम टू दिस प्लेस। अब क्या होगा, x माइनस टू एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय x प्लस सेवन ओवर x माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स x माइनस टू एक्स प्लस थ्री। अब मैं इसे भी मिटाऊं जो मैंने कंसीडर किया था, आप तो लिख चुके हैं, कॉपी करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैं ठीक लिख रहा हूँ, ए ओवर क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू, फिर हो जाएगा जी एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई में बी ओवर क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री। मैंने क्या कहा था, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए वो जब इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेंटर में प्लस है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलग अलग दोनों पर लग जाएगी। अब क्या होगा, अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसे आप कंसिडर कर लें और इक्वेशन नंबर स्मॉल वन स्मॉल रोबर वन ऑफ टू। अब जिस तरह पहले डिवीजन चेक करें फिर वो कंसिडरेशन करें, जितने भी नीचे फैक्टर्स हो लीनियर फैक्टर होते हो, तब तीन है तो तीन ले लेंगे, बी सी कर लेंगे, दो थे तो हमने ए और बी ले लिया, उसके बाद हमने दोनों साइड पर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और इस जगह पर आ गए। अब इससे आगे क्या करेंगे, जो दो लीनियर फैक्टर थे वो कौन कौन से थे, एक था एक्स माइनस टू और एक था एक्स प्लस थ्री, ऐसे बारी बारी इनको जीरो के इक्वल इक्वेट करें और इनकी जो वैल्यू निकलती है वो इस इक्वेशन पर पुट करें, पुट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर वन, इस स्मॉल वन वाली इक्वेशन पर पुट करें। क्या होगा जरा देखिए, टू प्लस सेवन क्या हो जाएगा, बाद में निकाल लेते हैं, a इन टू टू प्लस थ्री और b इन टू क्या हो जाएगा टू माइनस टू, ये तो कट गया, b खत्म हो गया, नाइन a इन टू फाइव ए की वैल्यू आ जाएगी नाइन बाय, ये एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नाइन बाय। नेक्स्ट पार्ट, पुट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन नंबर वन। दोबारा इस पे आ पुट करें, माइनस थ्री प्लस सेवन a into minus 3 plus 3, b into minus 3 minus 2, ऐसे बन गया, minus 3 plus 3 कट गए, ये टर्म खत्म हो गई, जहाँ से minus 3 plus 7, 4, minus 5 b, b की वैल्यू आ गई minus 4 by 5, b की वैल्यू आ गई जी minus 4 by 5, साइड पे लिख लेता हूँ, a की वैल्यू आ गई है 9 by 5, और b की वैल्यू आ गई है माइनस फोर बाय फाइव, ऐसे ही है। अब क्या करेंगे, a और b के आंसर्स आ गए जो हमने लेट किया था। अब देखिए अब क्या होगा, बड़े मजे का काम है, क्या बन जाएगी,
बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2x प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस यहां पे क्या दिखा था x प्लस 7 ओवर x माइनस 2x प्लस 3 जो कंसीडर हुआ था a ओवर x माइनस 2 तो a की जगह पे क्या आ गया 9 बाय 5 ओवर x माइनस 2 प्लस माइनस 4 बाय 5 ओवर x प्लस 2 फर्दर मोर आपको ये बात पता होनी चाहिए ये मैं साइड पे कर देता हूँ कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे कैसे क्यों अगर देखिए तो कैसे मैं लिखता हूँ कि 3 बाय 2 ओवर 5 तो 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 3 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5 हो जाएगा ये 2 और 5 आपस में क्या कर रहे हैं 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना ये और ये आपस में क्या कर रही है मल्टीप्लाई सो 5 और ये आपस में क्या कर रही है मल्टीप्लाई सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ये आपका क्या है सॉल्यूशन अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो मैं आपको टिप ये देता हूँ कि आप इसको मल्टीप्लाई करें आपस में क्या करें इन सब का दोबारा से एलसीएम निकालें देखिएगा जनरली उसका आंसर क्या है जनरली आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा तो हमने देखिए फ्रैक्शन में तोड़ दिया पार्शियल फ्रैक्शन इसका नाम कि हमने इसे फ्रैक्शन के अंदर तोड़ दिया एब्सोल्युटली राइट आवर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट इफ यू हैव अ टाइम यू कैन चेक योर आंसर्स बाय डूइंग व्हाट आप इसको क्या करें इसका एलसीएम लें आप इसका एलसीएम लेंगे दोबारा ये चीज़ बनेगी साबित हुआ हमने इसको इसमें तोड़ रिवर्स प्रोसेस आज हमने सीख लिया कि एक सिंगल फ्रैक्शन में बन जाती थी सॉल्व होने के बाद सिंप्लीफाई होने के बाद तो उसको आप किस तरीके से जनाब इमाम तोड़ सकते हैं डिफरेंट दोबारा से वापस अपनी ओरिजिनल उन्हीं फ्रैक्शंस के अंदर अलजेब्रिक जिनसे कि वो मिलके बने थे अब आगे बात क्वेश्चन नंबर 1 की ठीक है मैंने 7 इसलिए करवाया पहले कि 7 और 8 दो संभालते हैं जिसमें पूरा का पूरा मेथड इस्तेमाल अब इस केस में डिवीजन नहीं होगा शॉर्टकट चेक करने का तरीका क्या है देखिए जब मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो रफ क्या होगा एक्स स्क्वायर पहली टर्म ही एक्स स्क्वायर निकली तो नीचे डिनोमिनेटर में एक्स की पावर बड़ी है और न्यूमिनेटर में छोटी है डिवीजन होगी अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी दो डिवीजन इज नॉट पॉसिबल यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है लिख दो तो अच्छा नहीं भी लिखोगे तो तुम्हें पता लग गया है कि यार ये डिवीजन हो ही नहीं सकती नहीं हो सकती डायरेक्ट चले जाओ सपोजिशन डायरेक्ट चले जाओ सेकंड पार्ट में तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती तो उसे खुद से तो नहीं करेंगे फोर्सफुली सेकंड पार्ट क्या था कंसिडरेशन बहुत आसान है क्या वो कंसिडरेशन है दोनों लीनियर फैक्टर हैं एक्स की पावर दोनों पे 1 है सो आप क्या करेंगे आप लिखेंगे ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 3 अच्छा अक्सर बच्चे ये भी मुझसे सवाल करते हैं बड़ा मजेदार कि सर एक बात बताएं हम ए भी लेते हैं और भी ले सकते हो सी ले लो डी ले लो ई ले लो एफ ले लो क्योंकि दो तो हमने ए बी सी शुरू कर लिया बजाय इसके हर दफ़ा कोई नया को ले के आते हैं कोफिशिएंट क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नहीं है ये कोफिशिएंट है 1/(x+1) और ये 1/(x+3) का कोफिशिएंट है क्या बता दें अब इन कोफिशिएंट को निकालने का तरीके का बड़ा सिंपल सा सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड पे गिवन है उससे आपने दोनों साइड को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय व्हाट सॉरी एक चीज़ मैं ये बता दूँ क्वेश्चन में x माइनस 3 शुक्र है कि हमने शुरू ही देख लिया और हमने गलती ऐसे भी हमारा क्वेश्चन गलत है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 3 क्या होगा x प्लस 1 x माइनस 3 तो मजे की बात होगी कि लेफ्ट साइड के ऊपर पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी राइट साइड पर पर्टिकुलर वैल्यूज कट गई इसके साथ ये कट जाएगा और बी के साथ ये कट सो बचेगा क्या नेक्स्ट स्टेप यहां बच जाएगा 7x-9 a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस बाद में आप इतनी शार्प हो जाएगी
कि ये जो कटिंग मैं कर रहा हूँ ना, एक स्टेप पूरा कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख रहे हो, और ऐसे ही होता है सबके साथ। इसको हमने मान लिया। अब क्या करना है, दोनों लीनियर फैक्टर्स को बारी बारी आपने जीरो के ऊपर पुट करके वैल्यूज निकाल, ऊपर वाले टॉप वाले की बार लिया, इंशाल्लाह हम करेंगे। जो कंसिडर किया है वन, ये मेरे जेन में इंशाल्लाह इसके वैल्यू एंड पुट कर देंगे। आप करते हैं कि पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज विल बी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर वन। सो व्हाट हैपन, सेवन इंटू माइनस वन माइनस नाइन, ए इंटू माइनस वन माइनस थ्री, प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हो जाएगा जीरो, खत्म। माइनस सेवन माइनस माइनस सेवन माइनस सेवन माइनस नाइन माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई माइनस फोर, माइनस माइनस से क्या फोर टाइम्स, ए की वैल्यू आ गई फोर, मेक अ बॉक्स, मेक अ बॉक्स बनी। ये भी फायदा हो कि अगर आप फैक्टराइजेशन में और एलसीएम वगैरह लेने में शार्प है तो आप अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। यस दिस इज एज़ वेल, ऑलराइट, व्हाट्स अप गुड, एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दैट इज सेवन इंटू थ्री माइनस नाइन equals to a is equal to 3 minus 3 plus b into 3 plus 1, ये दोनों तो कट गए, a इसलिए खत्म हो गया, 4b आ गया add होने से। इधर क्या होगा, 21 minus 9 12, 21 minus 9 12, so easily b got an answer is equal to 3, a क्या आ गया 4, b क्या आ गया, मसला हल, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, बस इतना सा काम था। इस पूरे चैप्टर में हमने यही करना, हाँ सिचुएशन बदली, सिचुएशन डिफरेंट होगी, अभी लीनियर फैक्टर्स हैं, फिर एक और चीज़ होगी लीनियर फैक्टर के साथ, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएंगे, तो करना यही है, बस ये कि वो थोड़ा थोड़ा टफ होता है। अब हम करेंगे, सो इक्वेशन वन बिकम्स, जो स्टार्ट में हमने कंसीडर की थी वो क्या बन गया, सेवन एक्स माइनस नाइन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री विल बी इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू आई है फाइव फोर सॉरी फोर ओवर एक्स प्लस वन प्लस थ्री ओवर एक्स माइनस थ्री। ये बात अब जरा देखो, एज फार एज टू चेक द क्वेश्चन, दोबारा से एलसीएम लो, फोर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री के साथ ये मल्टीप्लाई, आंसर चेक करते रहो, सेवन एक्स माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री, नीचे ये कर देगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री, नीचे ऊपर का होगा देखो फोर एक्स सेवन एक्स फोर एक्स फोर एक्स प्लस थ्री एक्स का होगा सेवन एक्स माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री का होगा माइनस थ्री, देखो क्वेश्चन करेंगे मैंने आंसर भी चेक किया, दोबारा से एलसीएम लोगे वही क्वेश्चन बन जाएगा, तो साबित हो गया कि हमने जिन दो फ्रैक्शन में से तोड़ा है वो हमने एक अच्छा काम किया, नेक काम किया। सो असली तौर पे देखा जाए तो आई हैव अटेम्प्टेड टू क्वेश्चंस आउट ऑफ एट, ऐसे तो इसी तरीके से फोर भी होना है, फाइव भी होना है, सिक्स भी होना है, तो फाइव सिक्स विल बी योर होमवर्क, पहले बताओ फाइव सिक्स आपका होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर, तो थ्री फोर और एट में करा, एट में डिवीजन, एट में क्या है जी डिवीजन, पहले थ्री कर, थ्री बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा जबरदस्त है, देखो थ्री लिखा हुआ है थ्री एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब आप सोच रहे हो ये तो लीनियर नहीं है, लेकिन है कि नहीं, पहले तो बहुत ज़्यादा डिवीजन होती नहीं, नीचे डिनोमिनेटर में एक्स की पावर बढ़ी है, डिवीजन नहीं हो सकते, एक्स की पावर बराबर हो दोनों, मैक्सिमम हाईएस्ट एक्स की पावर बराबर हो या न्यूमरेटर में पावर बड़ी हो तब डिवीजन होती है,
किस केस में डिग्री है, नहीं होती। अच्छा मुझे बताइए क्या x माइनस वन x माइनस वन x प्लस वन लिखा जाता है? फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये तो दो लीनियर फैक्टर हो गए, हो गए ना, तो हो जाएगा a ओवर x माइनस वन प्लस बी ओवर x प्लस वन, ये सब अनुकूल जुड़े का वही बात है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस वन x प्लस वन। अब क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज दोनों के साथ कट जाएगी, 3x - 1 आ जाएगा, ये माइनस वाली माइनस से कट जाएगी, a के साथ x + 1 आ जाएगा, और प्लस 1 मेरी कट जाएगी तो b के साथ x - 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे जी x - 1 = 0, दैट इज x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x - 1 जब 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए ये नंबर स्मॉल नंबर, डायरेक्ट पुट कर ले, डायरेक्ट आंसर होगा, देखो 3 into 1 क्या होगा 3 minus 1 2, अब कुछ चीजें डायरेक्ट करते हैं, 1 minus 1 ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये रह जाएगी 2a, सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, कैसे 2 जब उधर डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, इतना तो शार्प होना चाहिए, दो तीन स्टेप छोड़ छोड़ के करने वाला काम भी करें, अभी ग्रिप बन गए, क्या ख्याल है। अब आइए पुट करते हैं x प्लस वन को 0, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे भाई x की वैल्यू माइनस वन करनी है इनइक्वालिटी नंबर 1, ऑलराइट कर लेते हैं, 3 इंटू माइनस वन माइनस वन, a इंटू माइनस वन प्लस वन प्लस b इंटू माइनस वन माइनस वन, कट गई माइनस फोर माइनस टू, b इज इक्वल टू माइनस फोर बाय माइनस टू, b की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। अब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, पुट कर देते हैं जो पहले वाले में, इक्वेशन 1 बाय 2 3x माइनस वन और x स्क्वायर माइनस वन था, जिसे हमने 3x माइनस वन में फैक्टराइज कर दिया था, और फैक्टराइज करने के बाद a का आंसर आ रहा है 1 ओवर x माइनस वन प्लस 2 ओवर x प्लस वन, एलसीएम लेंगे देखिएगा यही आएगा 3x माइनस वन, लेकिन देखिए आप देखिए यही सिचुएशन बनेगी, सो दिस विल बी आवर सॉल्यूशन, ये हमारा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। अच्छा जी, अगर हम चलते हैं पंप करते हैं पार्ट नंबर 4, फिर हम करेंगे पार्ट नंबर 8 हो सकता है मैं अभी ना करूं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ करा या वो सॉल्व करके भेज दूं, देखता हूँ, मैंने सोचा नहीं, फोर बार करता हूँ, फोर का मैंने सोचा, x माइनस फाइव ओवर x स्क्वायर प्लस टू एक्स, रिव्यू करें ना इंशाल्लाह होगी, नहीं तो उसके आंसर भी उसके सॉल्यूशन में भेज दूंगा टू की। अच्छा फोर को सिर्फ कर रहा हूँ, कैसे होगा, अब देखिए डेफिनेटली डिवीजन नहीं होती, कैसे, डिनोमिनेटर में x की पावर बड़ी है और छोटी, डिवीजन नहीं होती डायरेक्ट, वो क्या कहते हैं कंसीडर करना, लेकिन ये स्क्वायर वाली तो अपनी कंसीडरेशन सीखी, आपने तो लीनियर फैक्टर सीखे, ये क्वाड्रेटिक इसको फैक्टराइज कर लेते, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके फैक्टर बनते हैं -3 -3x -x -3,
कैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने से माइनस थ्री है, ऐड करने से प्लस टू है, प्लस थ्री माइनस वन, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखो, प्लस थ्री माइनस वन माइनस थ्री, ऐड करने से प्लस थ्री माइनस वन क्या होगा, प्लस टू। ठीक है, तो बात यह है कि ये इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन, मतलब किसी बच्चे को इसमें अगर कमजोरी है तो ये है कि वो मेहनत करें, अगर फैक्टराइजेशन नहीं आ रही होगी तो फिर आप बाकी पीछे रहेंगे। साबित ये हुआ इसलिए अपने आप को ठीक है तो ये इसके बराबर है, इसके बराबर दो फैक्टर बन गया x प्लस थ्री एक्स माइनस वन। अच्छा लोग कहते हैं ऑर्डर, आप ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें जब मैं ये कह दूंगा तो सेम आंसर है, बेशक ऑर्डर चेंज करके भी आंसर सेम ही है। अब कंसिडर कर लिया, कंसिडर कर लिया x माइनस फाइव ओवर x प्लस थ्री ओवर x माइनस वन, a ओवर x प्लस थ्री कर लिया प्लस b ओवर x माइनस वन, ये हमारी इक्वेशन है। अब वही बात है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सिंपल सी बात, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ये मतलब बाद में ऊपर लिखा था साथ ही लिखा था उसके, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस थ्री इनटू एक्स माइनस वन। ऑलराइट, आगे क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज दोनों को काट देंगे, x प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री को काट देगा, x माइनस वन एक्स माइनस वन, बचेगा क्या, x माइनस फाइव a इंटू x माइनस वन प्लस b इंटू x प्लस थ्री, कंसिडर इट एज आर इक्वेशन नंबर स्मॉल वन। लास्ट वाले पॉइंट से पुट x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री इन इक्वेशन नंबर स्मॉल वन। व्हाट हैपेंस, माइनस थ्री माइनस फाइव a इंटू माइनस थ्री माइनस वन b इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री, ये तो ज्ञान, ये तो खत्म, माइनस फोर a माइनस एट, a is equal to minus 8 by minus 4 or a is equal to 2, a is equal to क्या है जी, एक वैल्यू हमने निकाला, तो नीचे का भी स्क्वायर आ जाए तो देखिए फैक्टराइज तो नहीं होता, फैक्टराइज हो जाएगा फैक्टर्स लीनियर बन जाए, इसमें यही हुआ था सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर। अब क्या करना है जी, पुट आ जाएगा जी x माइनस वन इक्वल टू जीरो, दूसरा लीनियर फैक्टर, दूसरा जो फ्रैक्शन के नीचे लीनियर फैक्टर x इक्वल टू वन हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर। अब क्या आ जाएगा जी, वन माइनस फाइव a इंटू वन माइनस वन प्लस b इंटू वन प्लस थ्री, कट गया ये खत्म, माइनस फोर इधर से आ जाएगा 4b, क्या होगा मजीद बात, क्या होगा माइनस फोर बाय फोर इक्वल टू टू और b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस फोर। सो इक्वेशन वन बिकम्स क्या बन जी, x माइनस फाइव
ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, जो के फैक्टर की शक्ल में हुआ था एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन, और ए की वैल्यू क्या हो गई टू ओवर एक्स प्लस थ्री माइनस वन ओवर एक्स प्लस एक्स माइनस वन, बी की वैल्यू माइनस वन है तो वो सेंटर वाले प्लस से माइनस वन। कुछ लोग आंसर ऐसे भी लिखते हैं, सेंटर का प्लस कर लेते हैं और माइनस इसके साथ लगा देते हैं, ये भी ठीक है, कोई गलत बात नहीं, और सॉल्व करके लिख दोगे तो और अच्छी बात है। कैल्शियम में यही आंसर आया, दैट्स गुड। जहां पर हमने इतना जोर लगाया तो मेरा दिल कहता है कि मैं आपको एट पार्ट दे रहा कोई अलग ही अलग ही जात है जो तमाम मुश्किलों को आसान कर। चलो बेहतरी लास्ट पार्ट में एट लिखा जी, सिक्स एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन ओवर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस। दो काम, एक तो डिवीजन हो सकती है, कैसे, डिनोमिनेटर की पावर न्यूमिनेटर की पावर से छोटी, दूसरी बात साइड पे इसके फैक्टर्स इसलिए बना लें कि बाद में, अभी नहीं बाद में, हमें फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। फैक्टर्स क्या बनेंगे, वही बात है, माइनस थ्री है तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस। देखिए वही बात है, सेंटर में अगर प्लस टू एक्स होता तो ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, क्योंकि माइनस टू एक्स है इसलिए बड़े के साथ माइनस आ। बार हाँ मैंने आपको ये बात बताई है कि ये कैसे करना है, नेट पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोज अपलोड की हैं, विद अ टेम्पलेट को बेशक उधर से सीखिए। अब सबसे पहली बात है डिवीजन इज पॉसिबल, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज जिसके अंदर डिवीजन पॉसिबल। सो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन कंपाइल की और पहले डिवाइड करेंगे सिक्स एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन। थ्री एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स क्यूब, बड़ी सिंपल सी बात है, थ्री टू क्या होता है सिक्स, और एक्स स्क्वायर और एक्स डिवाइजर को तलाश करने का ये भी तरीकाकार हमारे असातिज़ा सिखाते थे, बड़ा आसान है कि इसको इस पर डिवाइड करो नंबर आ जाएगा जिससे मल्टीप्लाई करना है, कैसे, ये कटेगा टू टाइम्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को एक छोड़ देगा, यानी कि टू एक्स से मल्टीप्लाई, सो हो जाएगा सिक्स एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, देखिए ना माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स, टू टू ज़ार फोर, एक्स स्क्वायर साथ माइनस इंटू प्लस माइनस, और साथ हो जाएगा माइनस टू एक्स। अब माइनस टू एक्स इधर आ नहीं रहा, और माइनस सेवन ये स्टिल डिवाइड हो सकता है, कैसे, थ्री एक्स स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर, 9x square over 3x square, x square x square से कट गया, 3 बन जाती है 3 3 जाने प्लस 3 से मल्टीप्लाई, डिवीजन को अगर रिवाइज करें अपने माइंड में तो इस तरह करते थे। अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई माइनस टू एक्स, अब इससे मल्टीप्लाई होगा होगा माइनस सिक्स एक्स माइनस वन, इस होगा तो जेबर माइनस थ्री प्लस 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 कट गए एट एक्स माइनस फोर। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या बच गया एट एक्स माइनस। अब इस बात से हमें क्या मिलेगा, क्या हम अखज करेंगे वो देखिए, फैक्टर में इधर याद ध्यान क्योंकि बाद में पार्शियल फ्रैक्शन में हमें फैक्टर की जरूरत पेश आएगी। अब जरा देखिएगा क्या होगा, सिंपल सी बात है, सिक्स एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन ओवर 3x square minus 2x minus 1 किसके बराबर हुआ, पहले क्वेश्चन आ जाएगा 2x plus 3 plus remainder 8x minus 4 over divisor 3x square minus 2x minus 1। मजे की बात अगर ये देखो तो ये partial fraction, इसे partial fraction में भी convert कर सकते, तो इस पूरे को मैं 1 consider करूँ, जगह नहीं थी आगे नहीं तो मैं 1 लिखता, तो इस पूरे को मैं क्या consider कर दूँगा 1। अब इसका क्या होगा, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ
मैं कर लूंगा जी 8x-4 ओवर, अब इसके फैक्टर लिख लेता हूँ, x-3 एंड 3x+1 इक्वल्स टू a ओवर x-1 प्लस b ओवर 3x+1, ठीक है जी। और आगे लिख भी देता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x-1 3x+1। अब मैं जानकर आपके लिए यहां पर एक स्टेप खुद से खाने लगा, वो मल्टीप्लाई देखे डायरेक्ट समझे, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों को खत्म कर देगा, पीछे बचेगा 8x-1। जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x-1 x-1 काट खत्म करेगा, पीछे बच जाएगा ये। जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये दोनों कटेंगे और b के पास बच जाएगा x-1। ऐसे ही इसे मान ले, पुट x=1=0 विच इज दैट इज x=1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा जी, 8 × 1 − 4 a × 3 × 1 + 1 प्लस b × 1 − 1 0 क्या, 8 − 4 = 4 3 × 1 = 3 3 + 1 = 4 a की वैल्यू आ गई 1, कैसे 4 तो जाके डिवाइड होगी, a की वैल्यू क्या आ गई जी 1। अगर बोर्ड आपको नजर आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैंने a की वैल्यू 1 निकाल ली। अब मैंने ये बात इतनी एफिशिएंसी से इसलिए की है क्योंकि आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बहुत प्रैक्टिस कर ली है, तो कुछ स्टेप हम खाने की जसारत रखते हैं, समझ आ गई है ना हमें। सेकेंड क्या है जी, पुट 3x+1 = 0 दैट विल बी x = -1/3 -1 और 3 जाके नीचे डिवाइड हो इन इक्वेशन नंबर 1, और ये 1 जो है वो मेरे पास अब जेब में मैंने सेव कर इन इक्वेशन नंबर 1। अब 8 × -1/3 -4 a × 3 × -1/3 + 1 + b × -1/3 बाकी फ्रैक्शन हल हो सकती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। -8/3 − 4/1 एलसीएम ले लेंगे, 3 3 से कट गया -1 + 1 इधर क्या होगा, ये परेशानी की बात नहीं, -1/3 − 1/1 अब एलसीएम ले लेगा, 3 एलसीएम आएगा -8 − 12 कैसे 3 एलसीएम आया 3 टाइम्स, ये कट गया a खत्म 0, इधर भी क्या एलसीएम आएगा 3 -1 − 3 पर आएगा -20/3 b की वैल्यू आ जाएगी -4/3 बड़ा सिंपल है, अगर ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -3/4 माइनस माइनस से कटा 3 3 से कटा 4 × 1 = 4 4 × 5 = 20 b की वैल्यू आ गई इतनी, a की वैल्यू आई थी 1 और b की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है जी। अब जरा देखिए क्या यहां पे मैं लिखता हूं इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बनेगी, जरा देखिए सवाल था हमारे पास स्टार्ट में क्या, सवाल था जी 6x³ + 5x² - 7 ओवर 3x² - 2x - 1 2x + 3 + 8x - 4 ओवर x-1 × 3x + 1 हमारे पास आ गया, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 ओवर x-1 प्लस b की वैल्यू आ चुकी है 5 ओवर 3x + 1 ऐसे, सो दिस इज आवर फाइनल ए और बी की हमने ये वैल्यू सेलेक्ट की थी और ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, चेक भी कर लेते हैं ताकि कोई गलती की गुंजाइश हमारे पास ना रहे, सो वी आर एब्सोल्युटली राइट, पूरे तरीके से बिल्कुल ठीक। वो आगे पीछे लिख सकता है, लिखता रहे, फॉर्मेशन गेम
सो यूँ आपकी होगी 4.1 एक्सरसाइज 100% कम्प्लीट। तो इसको कीजिए, साथ आपको मैं सेंड कर दूंगा सॉल्व क्वेश्चंस भी, आप खुद भी अटेम्प्ट करें। देखिए रिव्यू शुड बी योर ड्यूटी, आप पूरी एक्सरसाइज करके आए तो इतनी तो आपके अंदर होनी चाहिए ना कि कैपेसिटी क्या खुद से अटेम्प्ट कर सकें और कर सकेंगे, मुश्किल नहीं। कुछ चीज़ें उसमें मैंने आपको पहले प्रूव करवाई हैं और कुछ वही मेथड आ रही है, उसके बावजूद भी मैं इन्हीं दिनों में आपको सॉल्व पूरी 14 के 14 क्वेश्चंस करा दूंगा। एमसीक्यूज और रीजनल मैथ्स शायद ही मैंने पहले भेजे हैं, नहीं भी भेजे तो भी मैं आज आपको दोबारा से व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।